सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं उठा था 10 बजने को, जब 10 मिनट था, 15 मिनट था तब उठा था, यानी 9:45-50 को उठा था। और बिकॉज टिकट बुक करनी थी, अभी तक टिकट का कुछ अपडेट नहीं है। इतना जल्दी बुक हो जा रहा है गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग बैठ के, जो दलाल होते हैं जो टिकट निकाल के देते हैं सबको दूसरे, वो कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या मेरा IRCTC हैंग कर रहा है, मोबाइल हैंग कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना स्लो बुकिंग हो रहा है, जब तक मैं डिटेल्स फिलअप करके पेमेंट तक पहुंच रहा हूं तब तक टिकट सारी वेटिंग लिस्ट हो जा रही है। अभी भी AC का ट्राई किया मैंने, बोला चलो स्लीपर नहीं तो AC का ट्राई करता हूँ। थर्ड AC का भी चुटकी बजाते ही 10:03 या 10:04 तक पूरा वेटिंग लिस्ट हो गया था, 2 से 3 मिनट लग रहा है। सो आज भी बुक नहीं हुआ। अभी 11 बजे एक बार स्लीपर का विंडो ओपन होगा, वहाँ ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है, होता है या नहीं बुक। और चलते हैं अभी, कुछ ब्रेकफास्ट करता हूँ, नहाता हूँ, अपना जो डेली का काम है वो ख़त्म करता हूँ, फिनिश करता हूँ, उसके बाद निकलेंगे ऑफिस के लिए, सेकेंड शिफ्ट है। और देखते हैं दिन कैसा जाता है, क्या जाता है, तब तक वीडियो भी एडिट करके अपलोड कर लेता हूँ कल वाली, और मिलता हूँ आप लोग से थोड़ी देर में। सर गाइस, नहा के मैं होने वाला था रेडी, बट यहाँ पे पावर कट हो चुकी है सुबह से। 11:30 बजे ही लाइट कट चुकी है, अभी फ़िलहाल 12 बज रहे हैं, आधा घंटा हो चुका है लाइट कट के। मैं नहा के रेडी हो गया था और मुझे ये अनआयरन बिना इस्त्री किए हुए टी शर्ट पहनने पड़ रहे हैं, और आज मैंने ये न्यू टी शर्ट पहनी है 180, जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, मैंने फोर्ड स्टोर से लिया था। सो थोड़ी बहुत सिकुड़न है इस पर, बट पहन रहा हूँ इसे। और मेरी एक वाइट जीन्स थी वो मुझे पहननी थी, बट वो भी मैंने धुल के टांगी थी, सो वो भी पूरी सिकुड़ा हुआ है, उस पर भी क्रीजेस है। सो मैं सोच रहा हूँ वो फोल्ड करके लेके जाता हूँ ऑफिस, ऑफिस जाके आयरन करके पहन लूँगा, या ब्लू जीन्स पहनूँ या ब्लैक जीन्स पहनूँ, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। लेट्स सी जो भी रहता है, या तो फुल ब्लैक आउटफिट कर लेते हैं आज, ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक जीन्स, अदरवाइज़ नीचे वाइट जीन्स पहनता हूँ। तो चलता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, रेडी होता हूँ, और कुछ पीते हैं, लाइक दूध है घर पर, प्रोटीन शेक बनाता हूँ। मिक्सर तो यूज़ नहीं होगा, जो भी नॉर्मली विदाउट मिक्सी यूज़ कर सकता हूँ वो करके प्रोटीन शेक पीते हैं, और फिर निकलते हैं सीधा 12:30 बजे ऑफिस के लिए, और स्टोर चल के मिलता हूँ मैं आप लोग से। सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं लंच पे, मैं हूँ, आसिफ है, अरबाज़ है, चेक करो, आसिफ भाई ने लाया गोभी की सब्ज़ी, अरबाज़ ने लाया शेपू की सब्ज़ी, मैंने भी लाई है कोई तो सब्ज़ी, और स्टॉक रूम पूरा क्लियर है, भाई लोग ने एकदम साफ़ सफाई करके टकाटक कर दिया है। कल हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले, चलते हैं अभी फिनिश करते हैं। सो गाइस यार, हम लोग आ चुके हैं बाहर चाय पीने, और खाना खाने के बाद चाय पीना नहीं चाहिए, बट ये लोग ने मुझे ज़बरदस्ती लाया है यहाँ पे, सत्र प्लाजा के पास बैठे हम लोग, और ये फेमस पाइनएप्पल मसाला चाय, इसमें सब्ज़ा, पाइनएप्पल के पीसेस, हनी, सब कुछ ऐड रहता है, बहुत टेस्टी लगती है, खट्टी मीठी। सो चलता हूँ अपनी ये चाय इन्जॉय करता हूँ, और बैठ के दोस्तों के साथ थोड़े गप्पे शप्पे लगाते हैं, थोड़ा बाहर का साला पहले से बना हुआ दिया है क्या मेरे को, गर्म नहीं है, व्यू वेदर एंजॉय करते हैं, उसके बाद जाके काम करेंगे। मैं वही तो सर गाइस, मैं आ चुका हूँ ऊपर बैक ऑफिस में, 10:30 बज रहे हैं, स्टोर अभी तक क्लोज नहीं हुआ है। कुछ स्टाफ इतने बड़े चूतिए हैं ना, इतना गाली देने का मन करता है, ऐसा लगता है जूता चप्पल जो हाथ में है ना, सबसे बड़ी साइज वो उठा के मारूँ। टाइम पता है स्टोर क्लोज होने का 10:30 है, 10 बजे हम लोग स्टोर का शटर नीचे कर लेते हैं, तो उस हिसाब से कस्टमर अटेंड करना चाहिए, लेकिन ये गधे लोग ऐसे, इतने बड़े गधे हैं, 10:30 बज गया है देखो, फिर भी अभी तक कस्टमर को लेके टाइम पास कर रहे हैं। सामने वाला कस्टमर अगर इंटरेस्टेड रहता है, कुछ बड़ा बिल है तो समझ में भी आता है, ये लोग फालतूगिरी करते हैं ना, सर गुस्सा आता है ना ये लोग के ऊपर, अभी क्या बताऊँ। आसिफ भाई आ रहे हैं, चेक करो भाई, यार जो भी बोल रहे हो ऑन कैमरा बोल रहे हो। सो इसलिए गुस्सा आता है कुछ लोगों पर, अभी 10:30 बज रहा है फिर भी नीचे कस्टमर अटेंड कर रहे हैं, बोला स्टोर बंद करना है, तो वो लाइट ऑफ, लाइट सब ऑफ हो गई थी, तो रिटर्न ऑन कर दिया। कस्टमर कुछ डिले किया है क्या, डिले बोलता है, भगवान करे उसका कुछ लेना ही नीचे और वैसे ही जाना चाहिए, ऐसा मज़ा आएगा ना उसको लेने में, मस्ती, फुकट का टाइम पास, और वो घंटा एक घंटा हो गया वो कस्टमर को आकर, इससे पहले भी वो स्टोर में आता है टाइम पास करता है, ये कैसा है, इसमें साइज है, इसमें कलर है, जबकि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो भी पूछेगा, बहुत हरामी है भाई। मैं तो बोलता हूँ निकलते क्या आप उन दोनों,
ठीक है चलो अपन निकलते हैं, जाने दो इधर को, तुम मेरे को छोड़ दो उधर, मैं जाऊँगा इसको जाने दो जैसे जाने। ठीक है चलो गाइस मैं निकलता हूँ, कपड़े चेंज कर लिया हूँ, घर चल के मैं मिलता हूँ आप लोग से। सो हे गाइस मैं अभी जस्ट घर पे पहुँचा हूँ और अभी फ़िलहाल बज रहे हैं 12:30, पूरे एक घंटे लेट आया हूँ। मैं जैसा कि आप लोगों को बोला था थोड़ी देर पहले, कुछ स्टाफ होते हैं जिनकी वजह से ऐसा कुछ होता है। सो उसको क्या है, वो तो स्कूटी थी उसके पास, वो तुरंत अपने घर पहुँच गया रहेगा, जस्ट बाजू में ही रहता वो आशिक है, मैं फंस गया, इतने दूर आना था मुझे, ट्रेन इतनी लेट आई, वैसे थोड़ा और पहले आ गया होता 12 बजे समय 12:15, लेकिन ट्रेन ही नहीं आ रही थी तो उसकी वजह से और लेट हुआ है। अभी फ़िलहाल खाने का मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वीकनेस ना आ जाए बॉडी में, मेरा वेट कम ना हो जाए, मेरा जो डाइट है वो कंटिन्यू रखने के लिए मैं जा रहा हूँ डिनर करने। यहाँ पे है आई डोंट नो किसकी दाल है, ये चटनी है, राइस है, रोटी है और साथ में ये अचार है। देखता हूँ जितना खाना खाए खा पाऊँगा खाऊँगा, बिकॉज टाइम चेंज हो जाता है तो खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती है। देखते हैं अभी खाना खाता हूँ, बाहर जोरों की बारिश स्टार्ट हो गई है और खाना खा के फिर मैं मिलता हूँ आप लोग। सो गाइस रात के 1:30 बजने वाले हैं और मेरा अब जाके डिनर ख़त्म हुआ है, बर्तन फिर भी मैं नहीं धुल रहा हूँ अभी, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा आलस आ रही है और नींद तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। अब मेरे को ना आप लोग के साथ बैठ के बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगता है वो सारी दिल की बात मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा ना वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और बहुत बोरिंग लगेगी आप लोग को। हालांकि वो बोरिंग बातें नहीं रहेंगी, मेरे मन में जो लिटरली है ना आप लोग के साथ शेयर करने का वो मैं करूँगा। मुझे कैमरे पर बात करना, लोगों को अपना चीज़ें दिखाना, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, यानी इन शॉर्ट ये व्लॉगिंग जो है मुझे बहुत पसंद है ये करना। मुझे व्यूज़ आप लोग नोटिस कर रहे हो कि आते हैं नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर हैं नहीं है, अर्निंग है नहीं है, मुझे ये सब चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। मुझे बस ऐसा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करनी है एज अ फैन या एज अ मेरे किसी चीज़ से वो मोटिवेट हो, मेरी कोई चीज़ देख के वो भी वो चीज़ करें सीखें। बट हो नहीं पा रहा है वैसा कहीं ना कहीं। अभी जिम इतना मिस हो रहा है, इतना रेगुलरली और अच्छे से मैं वर्कआउट कर रहा था, आई डोंट नो किसकी नज़र लगी या स्थिति को मैं दोष दूंगा जो करंट पोजीशन या टाइम चल रहा है कि मेरे को खाने में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को सोने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि घर पे कोई है नहीं। सो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, किसी को दोष देख के भी मतलब नहीं है। सो बस वही सब है, 1:30 बज रहा है, अभी सोऊंगा, कल सुबह जिम जाऊँ नहीं जाऊँ मुझे अभी से टेंशन आ रहा है, क्योंकि मैं बोल तो देता हूँ कैमरे पे कि मैं कल जिम जाऊँगा बट सुबह उठने के बाद होता नहीं है मुझसे कि जाऊँ मैं क्या करूँ। सो चलता हूँ गाइज, अभी फ़िलहाल चलता हूँ, सोऊंगा, मिलूँगा आप लोग से कल के ब्लॉग में। आई होप आप लोग ने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा, अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड नाइट।